हेलो फ्रेंड्स, टीजीटी जेईस में कुल 18 भर्तियां पेपर लीक जांच में उलझ गई हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक का नेटवर्क बहुत विस्तृत था। इस मामले में विधानसभा के अंदर लाई गई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विजिलेंस ब्यूरो की स्टेटस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा सामने रखा। इससे पता चलता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ड्राइंग मास्टर या ट्रैफिक इंस्पेक्टर के अलावा भी टीजीटी नॉन मेडिकल, जेई मैकेनिकल और सिविल के साथ लैंग्वेज टीचर और लाइनमैन जैसी 18 भर्तियों में भी पेपर लीक का अंदेशा है। कुल 18 पोस्ट कोड में से 10 भर्तियों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अभ्यर्थी नौकरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बावजूद इनमें पेपर लीक की जांच चल रही है। 8 भर्तियों के मामले में रिजल्ट घोषित नहीं हुआ और जांच जारी है। ये पूरा मामला जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 के पेपर लीक से खुला था और अब तक 4 पोस्ट कोड में 5 मामले दर्ज हो चुके हैं। कुछ और FIR भी दर्ज होने का अनुमान है। विधानसभा में मुख्यमंत्री की ओर से रखे गए जवाब के अनुसार सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में 26 दिसंबर को निलंबित किया था। पुलिस और विजिलेंस की जांच भी शुरू की गई। इसके बाद 31 दिसंबर विभाग जांच भी शिक्षा सचिव अभिषेक जैन की अध्यक्षता में विभागीय कमेटी भी बनाई गई। 12 फरवरी 2023 को विभागीय जांच की रिपोर्ट सबमिट हुई। 17 फरवरी को विजिलेंस की रिपोर्ट सबमिट हुई और 21 फरवरी को सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया। अब आपको बता दूं पेपर लीक जांच में उलझी 18 पोस्ट कोड के बारे में। GOIT पोस्ट कोड 817 जो कि कोर्ट केस चल रहा है, जिसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। इसके अलावा क्लर्क पोस्ट कोड 962, इसकी जांच जारी है, इसका रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ। जेई सिविल पोस्ट कोड 970, इसकी जांच भी जारी है, रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ। ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, इसकी जांच भी जारी है, रिजल्ट अभी पेंडिंग है। GOIT पोस्ट कोड 903, इसकी जांच जारी है, अभी इसका रिजल्ट भी घोषित नहीं हुआ। LT पोस्ट कोड 919, जिसकी जांच जारी है, रिजल्ट घोषित हो चुका है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 819, इसकी भी जांच जारी है, रिजल्ट घोषित हो चुका है। जेल वेलफेयर ऑफिसर पोस्ट कोड 915, इसकी जांच भी जारी है और रिजल्ट इसका आउट हो गया है। मार्केटिंग सुपरवाइज़र पोस्ट कोड 977, इसकी जांच भी जारी है, रिजल्ट घोषित हो गया है। ऑक्शन रिकॉर्डर पोस्ट कोड 899, जांच जारी है, रिजल्ट घोषित हो चुका है। फिशरीज ऑफिसर पोस्ट कोड 978, जिसका रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ। GOIT पोस्ट कोड 939, जो कि कोर्ट केस में फंसा हुआ है, इसका रिजल्ट भी घोषित नहीं हुआ। लाइनमैन पोस्ट कोड 971, जिसकी जांच जारी है, रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। फायरमैन पोस्ट कोड 916, जिसका रिजल्ट घोषित हो गया है। जेई मैकेनिकल पोस्ट कोड 881, इसका रिजल्ट आउट हो गया है। TGT नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794, इसका रिजल्ट भी आउट हो गया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट कोड 886, इसका रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। जेई मैकेनिकल पोस्ट कोड 825, इसका रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। इन 18 पोस्ट कोड की जांच जारी है। आपको बता दूं हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक प्रकरण पर विधानसभा में लाई गई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि पेपर लीक में जो भी शामिल होगा बख्शा नहीं जाएगा। सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, चाहे वह बड़े स्तर के अधिकारी हों या फिर कोई और। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि एक ऐसा कठोर कानून बनाया जाए जिससे इस तरह का भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। आने वाले समय में मेरिट के आधार पर भर्तियाँ होंगी और पारदर्शिता लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उन उम्मीदवारों को राहत प्रदान करेगी जिन उम्मीदवारों ने कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों के लिए पेपर भरे थे लेकिन वह पेपर नहीं हो पाए। पिछले 2 से 3 सालों में पेपर ना होने के कारण अब उम्मीदवार ओवरेज हो चुके हैं। ऐसे में सरकार उन उम्मीदवारों को उस डेट से दोबारा पेपर भरने का मौका देगी जिस डेट से उन्होंने पेपर भरे थे। इसके अलावा CM ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद सरकार ने नए चयन आयोग की स्थापना के लिए काम शुरू कर दिया है। नए चयन आयोग की स्थापना के लिए सरकार ने एक निष्पक्ष कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी 3 महीने में एक रिपोर्ट तैयार करेगी किस प्रकार नए कर्मचारी चयन आयोग को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाया जाए। जब तक नया चयन आयोग गठित नहीं होगा तब तक सरकार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई भर्तियां करवाएगी। लोक सेवा आयोग के माध्यम से सरकार 3000 भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश में पेपर लीक की कई घटनाएं देखी गई। चर्चा के जवाब में CM ने कहा कि नए चयन आयोग या भर्ती एजेंसी का दफ्तर हमीरपुर जिले में ही होगा। पुराने कर्मचारी चयन आयोग के स्टाफ को नए चयन आयोग में रखने की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती।
ऐसे में नए आयोग में नए कर्मचारी ही लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में होने वाली नई भर्तियों पे और पेपर लीक जांच में कोई भी सूचना आते ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।